सविता देवता तेजस्विताम् वर्धयेत् ओम सवित्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञोपवीत के धारण करने से पूर्व इसे हम मात्र थैल नहीं है, इसको हम अब हाथ नीचे कर लीजिए और इसमें किस रूप में धारण कर रहे हैं, गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। आज से आपके बाएं कंधे पर हमेशा गायत्री माता विराजमान रहेंगी यज्ञोपवीत के रूप में। बोलिए ओम ओम गायत्री रूपम धारयामि धारयामि। इसे यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। बोलिए ओम ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि धारयामि। इसको हम गुरु के अनुशासन में धारण कर रहे हैं। अभी हमने गुरु दीक्षा ली है, हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, माता वंदनीया भगवती देवी शर्मा जी हैं, उनके अनुशासन में इसे स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए ओम ओम गुरोः अनुशासन रूपम धारयामि धारयामि। अब मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप अपने दाहिने हाथ से अंदर घुसाते हुए बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत होना चाहिए, हार्ट पर। इस तरीके से स्वयं सेवक उपाचार्य भाई बहन सहयोग करेंगे पहनाने में। ऊपर हाथ कर लीजिए, दाहिना हाथ ऊपर कर लीजिए। ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं धारण करिए। पुराना यज्ञोपवीत जो लोग पहने में हटा लेंगे, बाएं कंधे पे रखिए, दाएं हाथ से नीचे कर लीजिए। ओम एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् ते परित्यागो गच्छसूत्रयथासुखम्। इस यज्ञोपवीत को कहीं उपवन में बगीचे में पवित्र स्थान पर इसे विसर्जित कर देंगे, आप वस्त्र धारण कर लें और आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं यज्ञ का। आगे अब यज्ञशाला में जो लोग बैठे हैं और आप लोग भी अगर कहीं यज्ञ कुंड के पास से आए थे, वहाँ स्थान अगर खाली है आपका तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। दीक्षा सेट में जो पूजा की सामग्री है उसको आप समझ लीजिए, चित्र होगा गायत्री माता का, उसको फ्रेम लेमिनेशन करा के अपने घर में पूजा स्थली सुंदर